अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हेलो व्यूअर्स, आज की हमारी रेसिपी है बघारा दालचा। ये दालचा हम बिना गोश्त के बनाएंगे। यहाँ पर हमने लिया है एक मीडियम साइज की प्याज। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है, उसमें हमने प्याज को ऐड किया है। प्याज ऐड करने के बाद हम एक चम्मच इसमें नमक भी ऐड कर लिया है और इसे हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे खड़े मसाले। खड़े मसालों में हमने लिया है दालचीनी, शाह जीरा, लौंग और इलायची। ये सारी चीज़ों को हम प्याज में ऐड करके इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और यहाँ पर हम लेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम प्याज में ऐड करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। यहाँ पर हम लेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम लेंगे दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसे भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर। यहाँ पर हम लेंगे चार मीडियम साइज के टमाटर, उसे हम अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे और जो प्याज हमने फ्राई की है उसमें ये टमाटर ऐड कर लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पर हम लेंगे एक मीडियम साइज का कद्दू, उसके हम मीडियम साइज के पीसेस कट करेंगे और जो हमने टमाटर और प्याज को फ्राई किया है उसके अंदर से हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हम ऐड करेंगे हरा धनिया, तीन से चार हम यहाँ पर हरी मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम करी लीव्स इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पुदीना भी ऐड करेंगे। यहाँ पर ऐड करेंगे हम पुदीना। यहाँ पर हम ऐड करेंगे एक गिलास पानी और इसे हम 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। यहाँ पर हम चेक करेंगे कद्दू गला या नहीं। कद्दू तो अच्छे तरीके से गल चुका है। यहाँ पर हम ऐड करेंगे जो दालें हमने गला कर रखी हैं वो दाल हम इसमें ऐड कर देंगे और इमली का पल्प भी हमने निकाल कर रखा है। इमली का पल्प और दाल हम एक साथ ऐड करेंगे। दाल को हमने अच्छी तरह से बारीक घोट लिया है। यहाँ पर हम लेंगे चारों किस्म की दालें। दालें पूरे मिलाकर हमें लेना है 250 ग्राम। मूंग की दाल, तुअर की दाल, मसूर की दाल और चना दाल, ये चारों दालों को हम मिला के 250 ग्राम करना है और इसे हम अच्छी तरह से गला लेंगे। गलाने के बाद पीस लेंगे। इमली ली है हमने 100 ग्राम। इमली का भी हम अच्छी तरह से पल्प निकाल लेंगे। यहाँ पर हम इसे 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। दालचा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।